गुजरात में बारिश और बाढ़ का कहर बरकरार। 18 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट। अब तक 32 लोगों ने गंवाई जान। गुजरात में बाढ़ और बारिश का कहर। प्रशासन की ओर से लोगों को किया गया अलर्ट। तटीय इलाकों में साइक्लोन का भी खतरा। गुजरात के द्वारका में बाढ़ बारिश का कहर। कई घर पानी में डूबे। भारतीय तटरक्षक बल ने चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। गुजरात में बाढ़ बारिश के कहर के बीच भुज में भारी बारिश के बाद कई जगहों पर जलभराव। पोरबंदर इलाके में बाढ़ से लोगों की बड़ी परेशानी। करीब 40,000 लोग बाढ़ से प्रभावित। सड़कें पानी में पूरी तरह से डूबी। वडोदरा के खेड़ा इलाके में बाढ़ का असर। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। सड़कें पानी में डूबी। जरूरी सेवाओं पर भी पड़ा असर। खेड़ा में आर्मी ने इलाकों में संभाला मोर्चा। करीब 47 लोगों का रेस्क्यू। बाढ़ से घिरे करीब 2,000 लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई। वडोदरा में फिर से शुरू हुई ट्रेन सेवाएं। बाढ़ का पानी कम होने के बाद ट्रेन सेवा को सुचारू रूप से शुरू किया गया। गुजरात में नाडियाड के संतराम मंदिर में बाढ़ प्रभावित लोगों को मदद के लिए हो रही है तैयारी। करीब 13,000 खाने के पैकेट बनाए गए। वाराणसी में भारी बारिश के बाद गंगा नदी का बड़ा जलस्तर। कई घाट पानी में डूबे। प्रयागराज में भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर। गंगा यमुना का बड़ा जलस्तर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में तेज बारिश। बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी। तेलंगाना में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। मौसम विभाग ने 5 दिनों के लिए जारी किया अलर्ट। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बाढ़ के हालात। सड़कों से लेकर लोगों के घरों तक पानी ही पानी। बाढ़ की वजह से खेतों में लगी फसलों को हो रहा नुकसान।